प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और प्रदेश में जिस तरीके से न्यायिक अभिरक्षा के अंदर भी पुलिस थानों के अंदर भी मौतें एक के बाद एक हो रही है, ये इस बात को इंगित करता है कि संबंधित अधिकारी नाजायज रूप से प्रताड़ना देकर, नाजायज रूप से परेशान करके और एक नहीं अनेकों घटनाएं इस प्रकार की प्रदेश में हो चुकी है कि उसके बाद सिर्फ प्रशासन के पास एक ही काम रहता है, संबंधित थाने के SHO को निलंबित कर दो और संबंधित स्टाफ को परिवर्तित कर दो। लेकिन इसी से इतिश्री नहीं होगी, न्याय तो तब मिलेगा जब गुनहगारों को सजा मिलना शुरू हो। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये दिन प्रतिदिन इनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इनके ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो और कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार को कोई भी कदम उठाने पड़े, चाहे वो कदम कड़े ही क्यों नहीं हो, उन कदमों को सरकार को उठाना चाहिए।